चिट्ठी न कोई संदेश ओ चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी हर वक्त यही है हम उस वक्त पाते हम कहां तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए इस दिल पे लगा के किस जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए जो मुस्कुरा रही हो जानकर हैरानी होगी कि जगजीत सिंह जी का एल्बम बियॉन्ड टाइम भारत का सबसे पहला डिजिटली रिकॉर्डेड एल्बम था क्या करूं
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एल्बम पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको हमारे
हर नए वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी मुझसे मेरी जवान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशान, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नान, वो नानी की बातों परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। ये बता दे मुझे
پیار کی راہ کے ہم سفر کس طرح بن گئے اجنبی معلوم ہے غزلوں کی شروعات غزل لکھنے والوں کے اپنے چاہنے والوں کو لکھی ہوئی کویتاؤں سے ہوئی تھی۔ ویسے تو غزلوں کی شروعات ساتویں شتابدی میں عربی کویتاؤں سے ہوئی تھی جو بارہویں شتابدی ہوتے ہوتے پورے ساؤتھ ایشیا میں پھیل گئی۔ گھر کسی کو دیکھنا ہو کر تو پہلے آ کے مانگ لے میری نظر تیری نظر you
दोस्तों अगर आप ऐसी ही और भी बहुत सी सुपरहिट गजलें और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल म्यूजिक फॉर सोल को जरूर सब्सक्राइब करें।